सावधान, यदि आप MR5 मक्सी रोड पर मकान या प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि अधिकतर कॉलोनी में पास बने ट्रेंचिंग ग्राउंड की दुर्गंध बनी हुई है, जो कि काफी गंदगी और जहरीली हवा फैल रही है, क्योंकि ट्रेंचिंग ग्राउंड के आसपास आवारा मवेशियों को काटा जा रहा है। साथ ही शहर की गंदगी को जलाया जाता है, जिससे मक्सी रोड पर बनी कॉलोनियों के रहवासी काफी परेशान हो रहे हैं। ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कचरे के साथ साथ मरे हुए जानवर को भी काटा जा रहा है। मक्सी रोड पर महीने भर पहले भी करीबन 5 से 10 कॉलोनी ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास विकसित हुई है, जिसमें अधिकतर कॉलोनी नाइजर महेश परियानी की कॉलोनी है, जिसमें तिरुपति सॉलिटेयर, तिरुपति गोल्ड, वैष्णवी सिटी कॉलोनी के रहवासी काफी परेशान हो रहे हैं। उज्जैन नगर निगम कमिश्नर, महापौर सहित अधिकारियों को आवेदन पत्र के माध्यम से रहवासियों ने कई बार गुहार लगाई, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। एक कंपनी है जो कि आवारा मवेशियों को वहां पर चीरापार करती है, जिसकी वजह से जहरीली दुर्गंध चारों ओर फैल रही है। महापौर एवं कमिश्नर ने कहा था कि इसकी और हम शीघ्र ही इसका हल कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रेंचिंग ग्राउंड गोंदिया में शिफ्ट होना था, लेकिन राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने से लगे हुए हैं, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो चुनाव आते हैं तो वो वोट मांगने वहां पहुंच जाते हैं, आम जनता से उनका कोई लेना देना नहीं रहता। यह तो काफी गहरी है, क्योंकि यहाँ पर जो स्मेल आती है और वो स्मेल इतनी गंदी आती है कि बाहर खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह कि जिनको सांस में दिक्कत है, जैसे मेरी सासू जी हैं, अब वो इतनी परेशान हो गई हैं कि वो बाहर भी नहीं निकल सकती, और इतनी गंदी स्मेल है कि अपन कोई रास्ता ही नहीं है हम लोगों के पास। यहाँ टेंशन ग्राउंड की वजह से शाम सुबह में बहुत बदबू आती है, और इस बदबू के कारण खांसी ये दमा जैसी कोई बीमारी बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित होने वाली है। अगर नहीं भी हुई है तो ये हो जाएगी लोगों को क्या, और शाम को मतलब घर से बाहर निकलने की नहीं बनती है, बहुत भयंकर मतलब बदबू आती है। ऐसी बदबू आती है कि कपड़ा मुंह पे बांध के ना आदमी बाहर निकलता है। कम से कम मेरे को 2 साल हो गए यहाँ पे। जानवर भी काटते हैं ये लोग, उसकी बहुत स्मेल आती है, तो बाहर खड़े रहना भी मुश्किल है, सबके घर के गेट लगे रहते हैं रात को। हमें यहाँ पे पढ़ाई करने की भी तकलीफ आती है, कि इससे यहाँ पे उज्जैन के महापौर साहब है, निवेदन है कि इसको इसका निराकरण करें कुछ, कि यानी कि बाहर घूम नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खुला गेट नहीं रख सकते, कपड़े लगाते हम लोग ऑर्थोडिक पर, अंदर इतनी बदबू आती है। तो जो भी माननीय गण अपने कमिश्नर साहब है, आगे भले से मोदी जी तक भेज दो, शिवराज सिंह जी तक भेज दो, कि ये चीज़ यहाँ से कम, इसके लिए बहुत ही परेशान हो रहे लोग। और हम तो क्या बताएं आपको, कि सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी बेच के कहीं निकल जाए। हमारी समस्या यह है कि तिरुपति सॉलिटेयर कॉलोनी में हम रहते हैं, और शाम को 7 बजे बाद मतलब इतनी बदबू आती है, और यहाँ पे टेंसीग्राम के पास में मतलब इन्होंने जानवरों को काटने का भी टीन शेड लगा रखा है, और किसी देवास के किसी मोमेडियन कोई है, उनको मतलब इसका ठेका कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है माननीय नगर निगम ने उज्जैन द्वारा, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, और जिससे कि मतलब है ना, हमको मतलब हर बीमारी की श्वास में बहुत परेशानी आ रही है, और वैसे भी बीमारी से ग्रसित हूँ मैं तो, पर मेरे को है ना बहुत दिक्कत आ रही है, और ये इतनी परेशानी है कि यहाँ से कहीं मकान बेच के कहीं दूसरी जगह चले जाए। माननीय महापौर महोदय और माननीय नगर निगम कमिश्नर महोदय, माननीय मतलब जिलाधीश महोदय से मेरा विनम्र अपील है कि मतलब इस गंदगी का जल्दी से अधिक और तुरंत मतलब जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए।